दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम नवंबर के महीने में भारत का दौरा करने वाली है, जहाँ पर 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मैच खेले जाने वाले हैं, जहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने अपने 15 सदस्यीय T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के T20 स्क्वाड के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे 3 T20 मैचों के बारे में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में क्या महेंद्र सिंह धोनी को स्थान मिलना चाहिए या नहीं, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों यहां पर भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में 3 T20 मैच और साथ ही 2 टेस्ट मैच खेले जाने वाले हैं। बात करें T20 मैचों की तो यहां पर जो पहला T20 मैच है वो 3 नवंबर खेला जाने वाला है, जो कि दिल्ली के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। बात करें दूसरी T20 मैच की तो यहां पर जो दूसरा T20 मैच है वो 7 नवंबर खेला जाएगा, जो कि राजकोट के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। बात करें तीसरी T20 मैच की तो यहां पर जो तीसरा T20 मैच है वो 10 नवंबर खेला जाने वाला है, जो कि नागपुर के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। दोस्तों तो ये रहे 3 T20 मैच। अब बात करें हम बांग्लादेश की टीम के T20 स्क्वाड के बारे में, जहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले हम बात करें बल्लेबाजों की, यहाँ पर तमिम इकबाल खेलने वाले हैं, सोम सरकार और साथ ही मोहम्मद नईम खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश की टीम 3 बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है। अब बात करें हम इनके ऑलराउंडर की तो यहाँ पर साकिब अल हसन कप्तानी करने वाले हैं, महमूद अल्लाह खेलने वाले हैं, अबीफ हुसैन, मोसदेक हुसैन, अनिमुल इस्लाम और मोहम्मद सैफुद्दीन खेलने वाले हैं। तो इन ऑलराउंडर के साथ उतरने बाली है बांग्लादेश की टीम। अब बात करें हम बांग्लादेश की टीम के विकेटकीपर बल्लेबाजों की, यहां पर बांग्लादेश की टीम ने 2 विकेटकीपर लिए हैं, जहां पर पहले विकेटकीपर लिटन दास और साथ ही दूसरे विकेटकीपर मुस्तफिकुर रहीम। तो यहां पर 2 विकेटकीपर बल्लेबाज खेलने वाले हैं। अब बात करें हम बांग्लादेश की टीम के बॉलर की, यहां पर अफताब सनी खेलने वाले हैं, अलामीन हुसैन, साथ ही मुस्तफिजुर रहमान और साथ ही सैफुल इस्लाम खेलने वाले हैं। तो यहां पर बांग्लादेश की टीम 4 बॉलर के साथ उतरने वाली है। दोस्तों तो ये रहा बांग्लादेश की टीम के T20 स्क्वाड। अब दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में क्या महेंद्र सिंह धोनी को जगह मिलनी चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।